तो हमारी टंकी हो रही है फुल, ठीक है गाइस, देखते हैं इसके। हम चाय ये देखो निकाली है, बस चाय, क्या बिस्किट और ये ग्रुप में बहुत फोटो आएगी। हाँ जी गाइस, ये देखो, और ये है भाई पूछ मेरा डोरा, एक नंबर बातचीत हरियाणा का छोरा। कुर्सी की पेटी बांधो, सबक शुरू होने वाला है। क्रिप्टोमुंसी आई वॉच टिल द एंड, रात के 9:05। मेरे बाल थोड़े से बिथरे हुए हैं, और ये देखो भाई अभिनव भाई, भाई सारा सामान मेरा, अब गाड़ी का वेट हो रहा है। पीछे ये जो गंदा सा लग रहा है, ये जैकेट मैंने टांगी हुई है, ये देखो बता दो कि बैग के उसमें पुश करके लगता है। हां जी गाइस, ये देखो रितेश भाई, ये देखो भाई अच्छे भाई, ये गाड़ी सेट हो रही है। तुम दो लोग जा रहे हो रात के 9:30 बजे। तो वेट मुंशी आरी स्टार्ट्स नाउ। लो 9:30 बज गए, हमने शहीद पर चढ़ लिया है और हम निकल गए हैं मुंशी आरी। बिनो गाड़ी चला रहे हो मुंशी आरी। अपनी गाड़ी को खून पिलाते हुए भी जाने से पहले सबसे पहले रिफ्यूलिंग होती है। ओके तो यहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे हम। ओके तो हमारी टंकी हो रही है फुल, ठीक है गाइस, देखते हैं इसके कितना तेल पीती है हमारी। ठीक है, क्या डेंसिटी है? 7500। ये भैया डाल रहे हैं, ठीक है, चलो भैया टंकी फुल कर दो हमारी, देखते हैं कितने में फुल होगी। 200 तो हमने रिफिलिंग करा ली है। ओके और हम निकल लिए हैं डबू रोड पे, बढ़ते हुए आगे हम, ठीक है गाइस। अब यहाँ से है हमारा डेस्टिनेशन कुछ 13-14 घंटे के आसपास, ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कहीं डेस्टिनेशन पहुँचेंगे या रुकेंगे तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय गाइस। ये देखो, ये वो है, ये देखो हर्षित भाई खाते हुए। लेबर कहीं का। हाँ जी गाइस, तो ये टोंजा वाला टोल आ गया है, टोल है अबे भाई, टोल पे तो ऐसी टोल है, हमें लगभग पहुंचने में लगेगा, अभी 11 बज रहा है, तो अभी हम जहाँ तक आधे घंटे में, 11 बज रहा है, 11 बज रहा है गाना बज रहा है, हाँ तो आधे एक घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं भाई सीतापुर वाले टोल प्लाजा पे, और टाइम क्या हो रहा है, 11:22। ओके गाइस, सुसु लगी है, यहीं कर लेंगे अभी थोड़ी देर। आमिर की कहानी, पेट्रोल पंप पे जाएंगे भाई, वहां करेंगे। ये गाइस कनेक्ट हो गया, कनेक्ट देर में हम कनेक्ट दूर से कनेक्टर पे पहुंच जाएंगे गाइस। सो रहे हो का? हम लोग कानपुर वाले टोल प्लाजा पे रुके थे, और यहाँ पे एक कैंटीन है, नेशनल हाईवे मिनी कैंटीन, यहाँ चेक करने आए कि चाय है कि नहीं। क्यों भैया, चाय है क्या? हाँ है, ओए चलो गाइस यहाँ दिखाते रुको भाई, नेशनल हाईवे मिनी कैंटीन, यहाँ पे चाय और ये देखो सारी सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप आएंगे यहाँ तो यहाँ सारी MRP लिखी है, सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, और ये हमारा टोल प्लाजा है, ठीक है। गरम गुलाम गाइस, ये सब नहीं सिस्टम, देखिए यहाँ बैठने का भी सिस्टम है, और उधर गाड़ी खड़ी है अपनी गाइस। ये देखो चाय, हम चाय ये देखो निकाली है, चाय बिस्किट और ये देखो हमारे हर्षित भाई खाते हुए बिस्कुट, और वो देखो अभिनव भाई
और ये है हम बैठे हुए हैं प्लाजा वाली कैंटीन में। यहाँ सही लग रहा है, चाय अच्छी है, मैंने पी अभी। भाई ने फोटो खींच के अपनी औकात दिखा दी जी। मैं बैठ गया यहाँ पे, मैं कहा मेरी फोटो नहीं खींचोगे मैं जाऊंगा नहीं आगे। हिटोल मेरे को पसीने आ गए, देखो पसीने ही पसीने आ गए। हाँ फोटो खींचो, नहीं फोटो खींचो पहले। अबे बस एक फोटो, बस एक फोटो, जाऊंगा नहीं एक फोटो। जी गाइस, लोगों ने मेरा वीडियो रोक के मेरी इतनी बेइज्जती करी है गाइस, इतनी बेइज्जती करी है इन लोगों ने। सुअर कहीं का ये सुअर और ये सुअर, अल्लाह कहीं का सुअर कम। चलो भाई हम सुनसान रास्ते में पहुंचेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे आगे का, आगे क्या होने वाला है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। चुभ रही है आप, चुभ रही है, रुक चुके हैं ठीक है। अब यहाँ से एक आगे कट आएगा लेफ्ट का, वहाँ पे रुकना है, मतलब रुकना नहीं है, वहाँ से अब सीधे चलना है, सिंगल लेन आएगा। ये उषा की स्टोर है, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ भी गाड़ी खड़ी है गाइस। हम और पीछे कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो कर रहे हैं है ना गाइस, भाई वो निकाल लो यार यूएसबी चार्जर। चलो मिलते हैं अभी कट के बाद, मतलब कट के बाद 3 घंटे लगातार चलेगी गाड़ी और कहीं कहीं कोई भी नहीं रुकेगा भाई, क्योंकि सिंगल लेन है, एकदम सुनसान रहेगा तो हमें रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी को भी नहीं रुकना है अगर कोई आ रहा हो। जय हो भोले बाबा। चलो ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा रास्ता भाई, रात के 1:30 बजे। हाँ जी गाइस, I don't know where is, what's the location now? क्या सिक्योरिटी कैमरा सा लग गया? चलो ये ठीक है। इसना क्या हुआ भाई? Nothing bro. हेलो जी। हेलो। जंगल ही है भाई पूरा। अबे भाई यहाँ थोड़ी ठंडी पता चल रही है ना? यहाँ से डराना रास्ता चालू। लड़का लोग घुस गए हैं। अरे सी आती है पता नहीं, मतलब पता ही जा रहा है। सुसु से लगे ही कर लियो, किसी को करनी हो तो ना सुसु कर। तुम लगे ही हमें लगी है, यहां से ही है ना चक्कर में, देखो पता नहीं। अब ये दो टोल कैसे हो गए? तीसरा टोल तुम इधर से निकालना। गाइस एक ये टोल है और एक टोल है इधर। अगर वो टोल नहीं है, हां देख आधे लोग उधर जाने दे रहे हैं। हाँ इधर वाला जो जा रहा है उधर काट ले रहे, इधर वाला इधर काट ले। अच्छा 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 ओके ओके गाइस। तो यहाँ से चालू जाता है पूरनपुर। पूरनपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से स्टार्ट होता भाई वो जो टाइगर रिजर्व एरिया, यहाँ सारे टाइगर रहते हैं। यहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ चाय पी ली थी।
हाँ जी गाइस, ये देखो और ये है भाई पूरनपुर। यहाँ से चागुलू होता है क्या टाइगर का इलाका। यहाँ से चालू होता है शेर का इलाका। अच्छा रास्ता का मैंने टोपा पहन लिया। अबे ड्राइवर है अपना। अभी देखना तुम कर्व देखना पहाड़ पे ऐसे 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 ऐसे। तो हम लोगों ने रात में किसी की बारात देख ली। अब पता नहीं वो भूत था इंसान। क्योंकि भैया ने चौंका दिया था मुझे। भैया ने नहीं, देव ने चौंका दिया था मुझे। भाई उतना मजा नहीं आता भाई। दिल में एकदम नॉर्मल नॉर्मल लगता कुछ नहीं। खड़े होकर नाचोगे तो क्या ऊपर चढ़ जाएगा गाड़ी के। हाँ भाई चढ़ेगा एक मुक्के में। इस गाड़ी का कुछ इस गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। फिर बॉर्डर आ गया कहाँ गए भाई। हल्का आगे से आर्मी के लोग टहल रहे थे और मतलब फैमिली उस टाइप की टहल रही तो मेला लग रहा है। टनकपुर 30 किलोमीटर है क्या भाई। बस ये बताओ हम अभी टनकपुर में जाकर रुकेंगे। हाँ अगर खुला नहीं हुआ तो। खुला नहीं हुआ, खुला हुआ तो चलने चलने एक एक करके दिक्कत ये बता रहे ना। अब इस जगह से हमारी सेवा समाप्त होती है। धन्यवाद। मेरा डोरा एक नंबर बाजी हरियाणा का छोरा मुलाली तू जितने भी गैल बदमाश तेरे गाड़ देंगे छह पिंडे जो भी छोड़ा हो रहा उसका पानी डाल मारा भाई कद नौज में मिले। हम यहाँ से कृष्णा भाई अपनी स्पीच देंगे। तो आपको व्लॉग कैसा लगा। ये हम लोग बस टनकपुर तक आए थे और उसके बाद मैंने व्लॉग कट कर दिया। बाकी ये सारे पार्ट्स तक आएंगे। पार्ट मतलब पांच पार्ट आएंगे इसके पांच पार्ट। और ये पहला पार्ट था और इतना एडिटिंग नहीं कर पाया जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्योंकि मेरे को व्लॉग भी अपलोड ही करना था जल्दी जल्दी। बट मैं ट्राई करा
कि जितनी एडिटिंग कर पाऊँ कर लिया, और थोड़ा थोड़ा और एडिटिंग कर सकता था मगर टाइम नहीं था क्योंकि आप लोग के पास हमें ब्लॉग भी तो पहुँचाना था जल्दी से जल्दी। ठीक है गाइस, और आपको ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने बोला था आपको सरप्राइज़ मिलेगा तो ये वही सरप्राइज़ था, और हम और भी जगहें अभी घूमने जाएंगे क्योंकि अभी पेपर्स आने वाले तो थोड़ा डिले कर देंगे, बट जाएंगे ज़रूर और आपको दिखाएंगे ज़रूर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस अभी आपको सेकेंड एपिसोड में ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि वहाँ मुंशियारी पहुँच चुके होंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय और राधे राधे, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।